हेलो गाइस, क्या हाल चाल है वे सबके? ऑल गुड, वेरी नाइस, ऑल राइट। तो आज हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। चलिए, मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर, हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की बातचीत करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेता रहूंगा और वहां पे हम लोग देखते जाएंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे अपना काम कर रही है। दुनिया में इन्फानाइट एग्जांपल है हर चीज के, इन्फानाइट, यू कैन नॉट काउंट देम। और अब हम लोग इन्फानाइट एग्जाम्पल तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फाइनाइट, कुछ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स तो कर ही सकते हैं, केसेस देख ही सकते हैं कि कहां पे ये कैसे अप्लाई हो रहा है, राइट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन देता हूं, है ना, मैं ध्यान देना। मान लीजिए कि वी आर हैविंग अ डिस्क, एक डिस्क है अपने पास, राइट। वी आर हैविंग अ डिस्क, अरे घटिया डिस्क, चलो कोई ना। डिस्क का रेडियस है कैपिटल आर, रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। मान लीजिए ये डिस्क घूम रही है अपनी एक्सिस के अराउंड ओमेगा से, कितनी से, ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। ये डिस्क पड़ी है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल पे ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऑल राइट। तो यहां पे तुम्हारा एक मास पड़ा है, मास एम ले लो, एक ब्लॉक पड़ा है एम मास का, ऑल राइट। अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस हुआ, मान लीजिए कि सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नहीं करेगा भाई साहब, ब्लॉक तभी तो मूव करेगा यार अगर जब कोई फ्रिक्शन लगेगा, जब कोई फोर्स लगेगी उसके ऊपर। अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो ब्लॉक क्यों मूव करेगा? हॉरिजॉन्टल डिस्क है, ब्लॉक पड़ा है, ब्लॉक तभी मूव करेगा जब कोई फ्रिक्शन लेके जाएगा उसको, अरे हाँ कि ना, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसके पास फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, ठीक। तो पूछा है फाइंड म्यू मिनिमम टू मूव द ब्लॉक विद डिस्क विदाउट स्लिपिंग। कि भाई साहब तुम्हारा ब्लॉक स्लिप नहीं होना चाहिए, मूव करवाओ। सबसे पहले क्या करना है, जिस भी अपनी चीज की बातचीत हो रही है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो मैं टॉप व्यू से देख रहा हूं, ये अपना ब्लॉक है, फ्रिक्शन तुम्हारा इधर लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही तो है जो इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आई? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो सेंट्रीपिटल ही कौन प्रोवाइड करेगा सन्नाटो? इज क्लियर? ऑलराइट, वेरी नाइस। तुम्हें कितने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, तुम्हें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है? तुम्हें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। कि भाई साहब इतना फ्रिक्शन चाहिए मुझे सेंट्रीपिटल के फॉर्म में। सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशन कैसे करेंगे? सेंटर की तरफ, सेंटर लेफ्ट में, सेंटर की तरफ नेट फोर्स लिख दो, लिख दी एफ, और उसको पुट कर दो एम इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है। अच्छा, कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास अवेलेबल फ्रिक्शन है म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू एम जी। इस केस में नॉर्मल की वैल्यू एम जी है, तो तुम्हारे पास म्यू एम जी अवेलेबल फ्रिक्शन है। कि भाई साहब इतना फ्रिक्शन तुम लगा सकते हो, ठीक है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इतना है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इतना है, अवेलेबल फ्रिक्शन इतना है। मान लीजिए तुम्हें 100 रुपए चाहिए थे, कितने रुपए चाहिए थे? 100। अगर तुम्हारे खाते में 200 रुपए हुए तो क्या बहुत बढ़िया बात है? बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, मजेदार बात है। कि रिक्वायर्ड अमाउंट इज लेस देन द अवेलेबल अमाउंट, देन इट इज गुड, वी आर हैप्पी। अगर तुम्हें 100 रुपए चाहिए थे और तुम्हारे खाते में भी 100 रुपए हैं तो क्या बात ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें 100 की रिक्वायरमेंट थी, तुम्हारे खाते में 90 हैं, तो बात बिगड़ गई, अरे हाँ कि ना। मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट शुड बी लेस देन अवेलेबल अमाउंट और इक्वल टू, अरे हाँ कि ना यार। मींस एफ रिक्वायर्ड शुड बी लेस देन इक्वल टू अवेलेबल वैल्यू, अवेलेबल फ्रिक्शन, अरे हाँ कि ना यार। समझ में आई बात? मतलब जितनी चीज तुम्हें रिक्वायर्ड है वो कम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए तो जिंदगी बढ़िया चलेगी। तो वी कैन से दैट एम ओमेगा स्क्वायर आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। एम ने एम को मारा, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी।
कि भाई तुम्हारा म्यू इससे बड़ा या इसके बराबर होना चाहिए, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? म्यू की मिनिमम वैल्यू इज ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी। समझ में आया? पक्का? देख लो। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, छाप दो, मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि सेम कहानी है पहले वाले क्वेश्चन की। तुम्हारे पास दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ए एक ब्लॉक बी, ठीक है? दो ब्लॉक है, घूम रही है ये डिस्क, घूम रही है, बढ़िया, म्यू वगैरह है, देयर इज सम म्यू, रेडियस आर। अगर मैं पूछूं विच ब्लॉक इज मोर लाइकली टू स्लिप, मोर लाइकली टू स्लिप। जरूरी नहीं है कि कोई भी स्लिप कर रहा हो। अरे हाँ कि ना, हो सकता है दोनों स्लिप कर रहे हो। मेरा क्वेश्चन समझना, विच वन इज मोर लाइकली टू स्लिप, किसके ज्यादा चांसेस हैं पहले स्लिप होने के? अगर सेम कंडीशन दे रखी हो तो विच वन इज मोर लाइकली टू स्लिप, मतलब कौन स्लिप होने के ज्यादा कगार पर है, यह पूछना चाहता हूं। कैसे करेंगे? देखो, ये तुम मान लो आर से तो कम ही होगा, इसको स्मॉल आर मान लो, ठीक, स्मॉल आर मान लिया। सो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर ए इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर एंड फॉर बी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर। अब तुम्हारा स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, तो फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट फॉर ए इज लेस देन फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट फॉर बी। ए को कम फ्रिक्शन चाहिए घूमने के लिए। मान लो कि भाई तो दो बंदे थे, दो, एक को 50 रुपए चाहिए जिंदगी जीने के लिए, एक को 100 रुपए चाहिए जिंदगी जीने के लिए। अगर नैया डूबेगी तो किसकी डूबेगी? 100 वाले की, क्योंकि उसके खर्चे ज्यादा है, उसकी जिंदगी ज्यादा तंग होगी। अरे हाँ कि ना, ए वाले को 50 रुपए चाहिए थे, वो बढ़िया मस्त जिंदगी जीता है 50 में, बी वाले को 100 रुपए चाहिए थे, तो 100 से कम में उसकी बात नहीं बनती। तो कौन ज्यादा जल्दी है डूबने की, मतलब कौन, विच वन इज मोर लाइकली टू गो? बी वाला, क्योंकि भाई साहब उसके खर्चे ज्यादा है, वो पहले डूबेगा। समझ में आया? सिमिलरली बी वाले को रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अरे हाँ कि ना, एग्जाम्पल दे देता हूं। मान लो कि फ्रिक्शन जो रिक्वायरमेंट ए को है, मान लो कि 10 न्यूटन आई और ये 15 न्यूटन आई। अगर तुम्हारे पास 12 न्यूटन का फ्रिक्शन अवेलेबल हुआ, इसकी कहानी तो सेट है, लेकिन ये तो डूब गया। सो बी इज मोर लाइकली टू स्लिप फर्स्ट। आंसर इज बी, बी इज मोर लाइकली टू स्लिप। समझ में आई बात? पक्का? देख लो। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वही डिस्क की कहानी। डिस्क नहीं बढ़िया बन रही आज, मजा नहीं आ रहा। आर रेडियस, म्यू कोएफिशिएंट। मान लो कि आर बाय टू पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास एम का, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है कि विद ओमेगा नॉट ब्लॉक ए या ब्लॉक ऑफ मास एम कैन बी मूविंग विदाउट स्लिपिंग फॉर आर इज इक्वल टू आर बाय टू। कि अगर आर बाय टू पर ब्लॉक तुम्हारा पड़ा हुआ है तो वो डिस्क के साथ घूम सकता है बिना स्लिप किए, ओमेगा नॉट की एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक? इफ द ब्लॉक इज प्लेस्ड एट आर इज इक्वल टू आर, व्हाट इज ओमेगा मैक्स पॉसिबल फॉर नो स्लिपिंग। कितनी ओमेगा पॉसिबल है कि स्लिप ना हो? इधर वाला मिटा दूं थोड़ा सा।
अगर x इज इक्वल टू आर बाय टू पर पड़ा है ना, यहां पे पड़ा है, तो भाई साहब इसकी बढ़िया जिंदगी चल रही है, ओमेगा नॉट तक ये जा सकता है। तो हम लोग वेरी सिंपली कह सकते हैं कि भाई जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है वो लगा लो, दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू आर बाय टू। दूसरे केस में कह रहा है कि इफ द ब्लॉक इज प्लेस्ड एट आर इज इक्वल टू आर, बिल्कुल एज पे रख दिया जाए, व्हाट इज द ओमेगा मैक्स पॉसिबल, ओमेगा मैक्स कितना पॉसिबल है। भाई साहब मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाओ तो मैक्सिमम ओमेगा लेके आएंगे, एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, पहली क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन दोनों को डिवाइड करो, कहानी खत्म। वन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय रूट टू। कि भाई साहब अगर तुम एक्स इज इक्वल टू आर पे रखोगे तो तुम्हें ओमेगा नॉट बाय रूट टू से घुमाना पड़ेगा, अगर इससे ज्यादा हुआ स्लिपिंग, वो फिसल जाएगा। समझ में आई बात? तो डिस्क वाले क्वेश्चंस की थोड़ी थोड़ी कहानियां, ऐसे क्वेश्चंस के कुछ टाइप तो नहीं होते, इनफाइनाइट टाइप्स होते हैं, हमने कुछ सीखने के लिए कुछ टाइप कर लिए। समझ में आई बात? पक्का देख लो। ऑलराइट, मिटा दूं इसको। एक और एप्लीकेशन करते हैं, तुमने देखा भी होगा डेथ वेल, मौत का कुआं, डेथ वेल देखा है क्या तुमने? डेथ वेल मैंने नहीं देखा आज तक, मतलब भीड़ में जाते नहीं यार मैं, मेरे भीड़ में जाने में तकलीफ होती है, वो इतने लोग बस उसका मुझे कॉन्सेप्ट पता है, टीवी पे देखा बहुत बार, कॉन्सेप्ट देखते हैं उसका क्या होता है। अगर मैं उसको टॉप से देखूं, अगर मैं उसको टॉप से देखूं तो मुझे कुछ ऐसा नजर आया कि भाई साहब उसके अंदर एक गाड़ी ऐसे चल रही है, ऐसे 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 चल रही है, टॉप व्यू है ना। अगर मैं साइड से देखूं, साइड से साइड व्यू, तुम्हें एक गाड़ी नजर आएगी, ये टायर है उसके और वो इसके ऊपर ऐसे चल रही है, ऐसे, ये साइड व्यू है उसका, ठीक है, साइड व्यू, बहुत बढ़िया। ये दीवार इस पे एक नॉर्मल लगा रही होगी, ऐसे ऐसे नॉर्मल लग रही होगी अगर टॉप व्यू से देखेंगे सेंटर की तरफ, जिसके कारण ये सर्कल में घूम पा रही है, ये नॉर्मल इज एक्टिंग एज इट्स सेंट्रीपेटल फोर्स। तो मेरा कुछ नहीं है कि भाई साहब एक तुम्हारा वेट लग रहा है नीचे की तरफ, अगर वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो ये नीचे क्यों नहीं गिर रही, क्यों नहीं गिर रही नीचे, ये वेट लग रहा है ना नीचे की ओर तो क्यों नहीं गिर रही, क्योंकि भाई साहब कोई ऊपर को फोर्स लग रही होगी इसलिए नहीं गिर रही, सिंपल सा आंसर। अगर नीचे कोई फोर्स है, बॉडी नीचे नहीं जा रही, तो भाई साहब ऊपर कोई फोर्स होगी यार, अरे हाँ कि ना, ऊपर होगा फ्रिक्शन। समझ में आया? पक्का देख लो। तुम्हें फ्रिक्शन कितना चाहिए? तुम्हें फ्रिक्शन चाहिए कि भाई साहब mg को रोक ले, बस इतना चाहिए मुझे, ज्यादा ज्यादा लालच ही नहीं अपने को, mg को रोक लो बस इतना फ्रिक्शन चाहिए, सही बात। तुम्हारे पास फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है? फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है? म्यू नॉर्मल, और नॉर्मल हमेशा mg थोड़ी ना होता है, यहां पे नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, वाई? बिकॉज नॉर्मल इज एक्टिंग ए सेंट्रीपेटल फोर्स। समझ में आया? इतना फ्रिक्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है, सो अवेलेबल फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। अच्छा, मास दोनों एक जैसे लिख लो ताकि मास और मास मर जाए, सो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाय ओमेगा स्क्वायर आर। पल्ले बड़ी बात कि तुम्हारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इससे बड़ा या इसके बराबर होना चाहिए तो ही बात बनेगी, जितना अगर ज्यादा हुआ तो बहुत बढ़िया मजेदार बात। समझ में आई? तो कभी वो म्यू देके ओमेगा पूछ लेंगे, कभी ओमेगा देके आर पूछ लेंगे, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, मतलब यू कैन जस्ट, दिस इज इट्स फिजिक्स, दिस इज इट्स कॉन्सेप्ट, फ्री वर्ल्ड डायग्राम्स, इक्वेशंस, कहानी खत्म। ये डेथ वेल की कहानी है, क्वेश्चन वोश्चन यार असाइनमेंट में दे दूंगा, तुम करते जाना, ठीक है? डेथ वेल समझ में आया? पक्का, ओके, वेरी नाइस। एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम। क्या बोलते हैं? कॉनिकल पेंडुलम। दिखाता हूं अभी फिगर, दिखाता हूं, मजा आएगा देख के तुम्हें। कॉनिकल पेंडुलम मतलब कुछ कुछ कौन से रिलेट होता है, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है अपने को, ध्यान देना। ये रस्सी ऐसे एक बॉब एम मास का बांध दिया इस पे, है ना, ये इस एक्सिस के अराउंड इसको ओमेगा से घुमाना शुरू कर दिया हमने, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, शायद तुम्हें फील आ रही होगी ना, ऐसे घूम रहा है ये, राइट। इस सर्कल में
घूमेगा, अरे थोड़ा गंदा बन गया, अभी ठीक है, इस सर्कल में ये घूम रहा होगा ऐसे, समझ में बात, ओमेगा से घूम रहा। मान लो कि इसने एंगल बना लिया थीटा, तो भाई साहब इसके फिजिक्स की कहानी की बातचीत करो, कितना एंगल बनाएगा, कितने ओमेगा के साथ, कितना रेडियस वगैरह वगैरह वगैरह। मान ले लेते हैं कि भाई ये लेंथ एल है, सबसे पहले क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम, बहुत सिंपल, इस पॉइंट पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन इधर की ओर, ग्रेविटी नीचे की ओर, एंगल लग गया थीटा, हाँ कि ना, बिल्कुल। इसके घूमने के सर्कल का सेंटर किधर है, लेफ्ट की ओर, लेफ्ट की ओर सेंटर है, अरे हाँ कि ना यार, लेफ्ट की ओर सेंटर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगी, लेफ्ट। देखो भाई साहब नेट फोर्स लेफ्ट में कितनी आ रही है, लेफ्ट में नेट फोर्स आ रही है टी साइन थीटा, तो उसको हम ले देंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये आर क्या होता है, व्हाट इज दिस आर, इट इज द रेडियस ऑफ सर्कल जिसमें वो घूम रहा है, तो ये तुम्हारा आर हो गया, समझ में बात, ओके। इस एक इक्वेशन और बनेगी, कौन सी, अगर इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट की ओर है सेंट्रीपिटल, तो वर्टिकल में नेट एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, क्योंकि वर्टिकल में थोड़ी ना ये कहीं जा रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है, ना ही नीचे जा रहा है, वर्टिकल में नेट एक्सेलरेशन इज जीरो, तो नेट फोर्स जीरो, वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो, तो फोर्सेस बैलेंस कर दो, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, समझ में आया, पक्का, ओके। देखो आर तो अपने को दिया नहीं हुआ था, अपने को एल दिया हुआ है, तो आर विल बी एल का साइन थीटा, पुट कर देता हूं, एल साइन थीटा, तो साइन थीटा ने साइन थीटा को मार दिया, डिवाइड कर दो, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, यू विल गेट कॉस थीटा इज इक्वल टू जी बाय ओमेगा स्क्वायर एल, कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछा हो, कहानी ये है, छाप लो, समझ में आनी चाहिए बात, कि हमने ये क्या किया, कैसे इक्वेशंस लिखी, सेंटर की तरफ नेट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको हम लोग मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर कर देंगे, अरे समझ में आया, पक्का, ऑलराइट, छाप दीजिए, मिटा दूं, ओके। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, ऑलराइट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मजा आया, और बातचीत करते हैं, कहां कहां सेंट्रीपिटल फोर्स की और जरूरत पड़ती है, कहां कहां पे चर्चा होती है। तुमने कभी गाड़ी चलाई है, नहीं तुमने नहीं चलाई होगी, तुम्हारी तो उम्र नहीं हुई। चलिए, अगर तुम गाड़ी में साथ में बैठे हो किसी के, तो व्हेन यू आर मूविंग ऑन अ रोड, तो रोड थोड़ी सी अगर मुड़ रही है तो तुम गाड़ी मोड़ लेते हो साथ साथ, है ना, रोड टर्न ले रही है तो गाड़ी भी टर्न ले लेती है, गाड़ी ने टर्न लिया मतलब गाड़ी सर्कुलर मोशन में आई, गाड़ी ने डायरेक्शन चेंज करी, अगर डायरेक्शन चेंज करी तो कोई फोर्स लगी होगी तभी डायरेक्शन चेंज होगी होगी, अरे हाँ कि ना यार, गाड़ी के मोशन में तो कोई फोर्स लगी होगी ना, कौन सी फोर्स वो लगी जिसने गाड़ी की डायरेक्शन चेंज कर दी, ऐसे जा रही थी गाड़ी ऐसे 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 होगा, कौन सी फोर्स थी, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी थी, फ्रिक्शन, कौन सी थी, फ्रिक्शन, समझ में ये बात, वेरी गुड। तुमने वो इंडोर साइकिलिंग रेस देखी है, इंडोर मतलब इंडोर होती है वो, उसमें ट्रैक होता है जैसे रेस का ट्रैक होता है अपना एथलेटिक्स का, वैसे ही साइकिलिंग रेस का ट्रैक होता है, वो बहुत मुड़ा होता है, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा ट्रैक होता है, वो टेढ़े ट्रैक पे साइकिल चलाते हैं बहुत फास्ट फास्ट, उसमें कौन सी फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल की तरह एक्ट करती है ताकि वो मुड़ जाए, ताकि वो सर्कुलर मोशन में आ जाए, वहां पे होता है नॉर्मल फोर्स, अभी पूरी बातचीत करेंगे उसकी, ठीक है। एक और तुमने देखा होगा, जब हम लोग हाईवे पे जा रहे होते हैं, बहुत बढ़िया मस्त मक्खन वाला हाईवे होता है, उसमें टर्न आ जाए तो रोड ना थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, नोटिस किया कभी, हाईवे की रोड थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, और टेढ़ी रोड पे मुड़ने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छे से मुड़ते हो तुम, ये क्यों करे जाते हैं, क्या इनका रीजन है, वही अब डिस्कस करने वाला हूं मैं, ठीक है। चलो लिखो मोशन ऑफ व्हीकल, मोशन ऑफ व्हीकल, तो तीन टाइप की रोड्स मिलेंगी तुम्हें, जिनमें से दो रियल है एक हाइपोथेटिकल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स ऑफ इट, वो हाइपोथेटिकल के केस भी एक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस इज ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल
रोड विद फ्रिक्शन। पहला ये केस डिस्कस करते हैं जो कि जनरल केस होता है कि भाई तुम्हारी जो रोड्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, उन पे तुम मुड़ना चाहते हो, सर्कुलर मोशन में जाना चाहते हो, तो उनके पास फ्रिक्शन होता है जिसके कारण तुम मुड़ सकते हो। ये जो सबसे पहला एग्जांपल लिया था डिस्क वाला काइंड ऑफ वैसा ही रहेगा। मान लीजिए कि तुम्हारे पास एक रोड है, रोड जिसका एक इसका एक आर्क बन रहा है, आर्क, और इसका सेंटर कुछ यहां पे है। मान लीजिए कि ये रेडियस ऑफ दिस रोड इज आर, लेट्स से हाँ, तुम्हारी गाड़ी कुछ यहां पे जा रही है वी रफ्तार से। टॉप व्यू बना रहा हूं ये आसमान से देख के, मैंने ड्रोन लगा रखा है कैमरा, तो ये वी रफ्तार से जा रही है, इसको लेफ्ट में मुड़ना है, तो ऑब्वियस ये बात है कि फ्रिक्शन इसको मोड़ने में मदद करेगा। तो हम लोग कह देंगे फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। अगर वी दे रखा है तो हम लोग कह देंगे एम वी स्क्वायर बाय आर। अरे हाँ कि ना, और फ्रिक्शन अवेलेबल इज इक्वल टू म्यू इन टू एन, यानी कि इस केस में म्यू एम जी। हम लोग कहेंगे कि भाई जो अवेलेबल फ्रिक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए, तभी जिंदगी मस्त चलेगी, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से तुम्हारा म्यू इज इक्वल टू, या म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी आ गया, कि भाई साहब म्यू इतना कम से कम होना चाहिए तभी बात बनेगी, अगर इससे ज्यादा हुआ बहुत बढ़िया। समझ में आया? ये फर्स्ट केस है। देखो होता क्या है, जब सड़क बन गई है ना, उसमें मोड़ आ गया, उसका आर तो डिफाइन हो गया, आर डिफाइन हो जाता है वहां पे कि भाई इतना रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है तुम्हारी सड़क पे, तुम्हारी सड़क इतने रेडियस का आर्क बना रही है, तुमने उस पे मुड़ना है, आर डिफाइन हो गया। जी तो भगवान ने पहले डिफाइन कर रखा है। म्यू टायर और रोड के बीच का म्यू वो भी डिफाइंड है, उसको तुम थोड़ा चेंज कर सकते हो। अरे तुम थोड़ा चेंज कर सकते हो, वो डिफाइन हो चुका है भाई। रोड और रबड़ के बीच में कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा वो ऑलरेडी डिसाइड है। तुम क्या चेंज कर सकते हो? रफ्तार। क्या चेंज कर सकते हो? रफ्तार। इसलिए तुम देखना कि अगर तुम बहुत स्पीड से टर्न लेते हो तो भाई साहब तुम्हारी गाड़ी स्लिप कर जाती है, ड्रिफ्ट है ना, ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग करते हैं ना वो लोग, कई रेसर्स ड्रिफ्ट करते हैं। वो ड्रिफ्ट क्या करते हैं कि वो रफ्तार बहुत ज्यादा दे देते हैं तो गाड़ी स्किड करती है, उसको ड्रिफ्टिंग बोलते हैं, है ना। वो थोड़ी मैनेज्ड ड्रिफ्ट, मैनेज्ड स्लाइडिंग और स्लिपिंग इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, है ना। जो नॉन मैनेज्ड हो, अनमैनेज्ड हो, उसकी तो कहानी खत्म। चलिए कहां था मैं, हाँ, कि तुम्हारे हाथ में रफ्तार को चेंज करना। इसलिए जब भी हम टर्न लेते हैं हम रफ्तार थोड़ी कम कर लेते हैं, क्योंकि जितनी रफ्तार कम होगी, जितनी रफ्तार कम होगी उतना तुम्हारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कम हो जाएगा, कि तुम्हें कम रिक्वायरमेंट होगी। अच्छी बात है, रिक्वायरमेंट कम हो तो बहुत बढ़िया बात है। अरे हाँ कि ना यार, समझ में आई बात, कि तुम अपनी रफ्तार कम कर सकते हो। इसलिए हम लोग मोड़ पे जब गाड़ी मोड़ते हैं रफ्तार कम कर लेते हैं ताकि गाड़ी स्लिप ना करे। फील आई ना, फील आई कि अगर बहुत ज्यादा तेजी से हम लोग टर्न लेंगे तो गाड़ी स्लिप कर सकती है, स्किड कर सकती है बाहर की ओर। फील आई, फील आई, फील आई, समझ में आया ना। सो दिस इज होल फिजिक्स। क्वेश्चंस असाइनमेंट में दे दूंगा यार, कर लेना, मुझे तो बस फिजिक्स समझानी है इसकी, मतलब मेरा वो है। समझ में आया बेटा? पक्का? ऑल राइट, एक दूसरे टाइप के टर्न की चर्चा करते हैं। ये रोड तुमने देखी नहीं होगी कभी भी, सेकंड बैंक्ड रोड, बैंक्ड फ्रिक्शन लेस रोड, फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन लेस रोड। बैंक्ड रोड क्या होती है? जो थोड़ी उठी होती है ना उसको बैंक्ड रोड बोलते हैं। तो मान लो कि रोड अपने पास कुछ ऐसी है, एंगल है थीटा, तुम गाड़ी लेके जा रहे हो उस पर, ठीक है। टॉप भी इसका कुछ ऐसा ही बनेगा, इसका टॉप भी कुछ ऐसे ही बनेगा। थीटा को बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन सॉरी वो गए, थीटा को बोलते हैं बैंकिंग एंगल। क्या बोलते हैं? बैंकिंग एंगल या एंगल ऑफ बैंकिंग। ये वो एंगल होता है जितने पे आउटर साइड उठी होती है एज कंपेयर टू इनर साइड। ये इनर साइड होगी, ये अंदर वाली, ये वाली इनर साइड है और ये आउटर साइड है जो उठी हुई है। टॉप व्यू इसका कुछ ऐसा ही बनेगा, इसको लेफ्ट में मुड़ना है आर रेडियस के सर्कल में, ठीक है। इट इज हॉरिजॉन्टल, मतलब ये एक ही लेवल पे जाती रहेगी, ये एक ही लेवल पे जाती रहेगी, बस इसको थोड़ा लेफ्ट में मुड़ना है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाया जाए तो यहां पे लगेगी एक नॉर्मल फोर्स, नीचे को लगेगा एक एम जी, सही बात।
ये एंगल हो गया थीटा। तो भाई साहब कौन सी फोर्स है जो इसको सेंट्रीपेटल प्रोवाइड करेगी लेफ्ट में मुड़ने के लिए, वो है नॉर्मल का एक कंपोनेंट, नॉर्मल का साइन थीटा कंपोनेंट, दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सही बात। वर्टिकल में नेट फोर्स कितनी है, वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो है, तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहां से हम लोग कह देंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। थीटा ऑलरेडी डिफाइंड है, आर भी डिफाइंड है, सड़क बन गई, जी भी डिफाइंड है, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आएगी कि भाई साहब अगर इतनी वेलोसिटी से तुम चलोगे तो स्किड नहीं करोगे, लेकिन अगर मैं इतनी वेलोसिटी ना चलूं तो क्या होगा, उसके बारे में भी सोचना चाहिए अपने को। वी शुड जस्ट थिंक अबाउट डिफरेंट केसेस इन फिजिक्स, हर केस के बारे में सोचो, अच्छा ये नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा अगर सोचोगे तो अपना मतलब डेवलप होता है। रैंडम नहीं सोचना कुछ, सर अगर इसके ऊपर हवाई जहाज उतार दूं तो क्या हो जाएगा, रोड दब जाएगी क्या, मतलब थोड़ा लॉजिकल बात सोचो। चलिए तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी आ गया। अब ये सोचो अगर मैं इसके ऊपर रुका रहूं, वेलोसिटी जीरो हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो भाई साहब तुम नीचे की ओर आ जाओगे, क्योंकि एम जी साइन थीटा तुम्हें नीचे खींच लेगा, फ्रिक्शन तो है नहीं रोकने के लिए, नीचे आ जाओगे। अगर तुम्हारी रफ्तार बहुत ज्यादा हुई तो तुम बाहर की ओर निकल जाओगे, बाहर की ओर, फील आ रही है, फील आ रही है, अरे बाहर रफ्तार बहुत ज्यादा हुई तो तुम बाहर की ओर निकल जाओगे ना, अरे हाँ कि ना, समझ में आ, पक्का, वेरी गुड। सो देयर विल बी अ पर्टिकुलर वेलोसिटी कि अगर तुम उतनी ही फिक्स वेलोसिटी से चलोगे तभी तुम बिना स्लिपिंग किए इस रोड पे जा सकते हो, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, दिस इज ऑल फिजिक्स अबाउट इट। अब मुद्दे की बात यह है कि हमारी रोड्स पे होता है फ्रिक्शन, ऐसा भी नहीं होता कि अगर मैं बैंक्ड रोड पे गाड़ी खड़ी कर लूं मेरी गाड़ी स्लिप कर जाएगी अंदर की ओर, ऐसा तो होता नहीं है। और होता है क्या, नहीं होता ऐसा, हां कि ना, ठीक, क्योंकि अपनी अपनी जो गाड़ियां होती हैं, सॉरी अपनी जो रोड्स होती हैं वो होती है फ्रिक्शन वाली, फ्रिक्शनलेस रोड नहीं होती अपनी। ठीक है, तो उस केस की चर्चा करता हूं मैं, मिटा दो इसको, थर्ड केस की चर्चा करते हैं कि बैंक्ड फ्रिक्शन वाली रोड, मिटा दो, ठीक, थर्ड बैंक्ड रोड विद फ्रिक्शन, अपनी डेली लाइफ की जिंदगी में आने वाली चीज, वही बैंक्ड रोड है अपने पास, एंगल है थीटा, फ्रिक्शन है, अभी है, वी आर हैविंग अ फ्रिक्शन, एम मास की गाड़ी, ठीक है, फ्रिक्शन है। उस केस में क्या वेलोसिटी थी, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, वहां पे वेलोसिटी आई थी अंडर रूट आर जी टेन थीटा, कि भाई अंडर रूट आर जी टेन थीटा से चलोगे तो तुम्हारी गाड़ी बिना स्लिपिंग के चलेगी। मैं कह रहा हूं कि मेरे को कम रफ्तार से चलना है यार, अंडर रूट आर जी टेन थीटा से कम पे चलना है, तो अगर फ्रिक्शन ना होता, फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखना मैं कैसे निकालूं, अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या कम रफ्तार पे ये नीचे की ओर आ जाता, हां कि ना। अब फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इसको ऊपर लग के रोकने की कोशिश करेगा, समझ में आया, पक्का। नॉर्मल तो लगा दो, नॉर्मल लगा दी, एम जी भी लगा दो, लगा दिया, थोड़ा थोड़ा थीटा बीटा लिख लो, थोड़े थोड़े थीटे बीटे लिख लिए। सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए लेफ्ट की ओर, कितनी मिलेगी, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, हाँ कि ना। वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो, तो करो भाई वर्टिकल में नेट फोर्स एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो कर दे, समझ में आई बात। तुमने रफ्तार मिनिमम करनी है, चलो एक बार थोड़ा इनको डिवाइड कर लो, अभी तुम विजुलाइज हो जाएगा तुम्हें, एन साइन थीटा, अरे ऐसी कर लेना यार डिवाइड, इस पे ऐसे डिवाइड डालो, इक्वल टू यहां पे डालो, एम और एम उड़ा दो और इसको लिख दो वी स्क्वायर बाय आर जी, हो गया डिवाइड, क्यों दोबारा मेहनत करनी है, वी आर इंजीनियर्स, वी शुड बी लेजी, हाँ कि ना, हाँ वी शुड बी लेजी, दैट्स आर राइट, राइट फ्रॉम द बर्थ, नो राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, वी आर इंजीनियर्स, वी शुड बी लेजी,
बट नॉट यू. यू शुडंट बी लेजी बिकॉज यू आर नॉट इंजीनियर्स येट एंड नॉट इवन डॉक्टर्स येट. यू आर जस्ट अ दसवीं पास बंदा. और दसवीं पास बंदे की क्या इज्जत होती है? कुछ भी नहीं. तुमने तो बारहवीं भी नहीं पास करी अभी तक. हाँ, ध्यान दो इधर. अगर मैं कहूं कि भाई फ्रिक्शन लगाओ मैक्सिमम, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगाओ, जितना लग सकता है लगाओ, तुम्हारा डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा. और अगर ये फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो न्यूमरेटर भी बहुत छोटा हो जाएगा. ओवरऑल टर्म ये बहुत छोटी हो जाएगी. ओवरऑल टर्म ये बहुत छोटी हो जाएगी अगर तुम फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा दोगे. अगर ये ओवरऑल टर्म बहुत छोटी हो गई तो तुम्हें मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएगी. क्या मिल जाएगी? मिनिमम वेलोसिटी, कि कम से कम इतनी रफ्तार रखो अगर तुमने नीचे को स्लिप नहीं होना. कम से कम इतनी रफ्तार रखो अगर नीचे को स्लिप नहीं होना. अगर इतनी रफ्तार नहीं रखी तो तुम नीचे को स्लिप कर जाओगे. निकाल के देख लेते हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन. तो पुट कर देते हैं म्यू इंटू एन. यहां भी पुट कर देते हैं म्यू इंटू एन. तो एन 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 उड़ गए. क्या मिला अपने को? साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी मिनिमम स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी. तो यहां से तुम मिनिमम रफ्तार निकाल सकते हो कि कम से कम इतनी रफ्तार तो होनी चाहिए भाई साहब तुम्हारे पास अगर स्लिपिंग नहीं करवाई. अगर उससे कम रफ्तार हुई तो तुम नीचे की ओर स्लिप कर जाओगे. मुझे पता है तुम्हारे माइंड में क्या क्वेश्चन है ना, उसकी चर्चा करता हूं अभी. ठीक है, अगर इससे कम रफ्तार हुई तो भाई साहब तुम स्लिप कर जाओगे. तुम कहोगे सर मैं तो सड़क पे टेढ़ी सड़क पे जीरो रफ्तार से भी गाड़ी रोक लूं तब भी मैं स्लिप नहीं करता नीचे. लेकिन आप तो कह रहे कि वी मिनिमम से अगर मैंने कम रफ्तार करी तो मैं स्लिप कर जाऊंगा. अब जीरो से कम रफ्तार क्या ही रखेंगे? उस केस में क्या होता है, उस केस में जब तुम जिस केस की तुम बात कर रहे हो कि भाई साहब यहां पे तो स्लिपिंग नहीं हो रही चाहे मैं रुक जाऊं वहां पे, उस केस में ना ये चीज नेगेटिव आ जाएगी. अगर ये चीज नेगेटिव आ गई तो स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं होता. उस केस में ये चीज नेगेटिव आ जाएगी, समझना मेरी बात, और तब तुम्हारा वी मिनिमम जीरो आएगा. अगर ये जीरो आ गया या नेगेटिव आ गया तो समझ लेना वी मिनिमम जीरो आया. वो नेगेटिव क्यों है उसकी भी चर्चा बता देता हूं. उसकी चर्चा ये है कि भाई साहब तुम्हारा mg sin थीटा कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, तुम्हारा फ्रिक्शन बड़े आराम से mg sin थीटा को संभाल लेगा. अगर तुम्हारी गाड़ी चल भी नहीं रही तो भाई साहब mg sin थीटा इधर फ्रिक्शन, तुम्हारा फ्रिक्शन बड़े आराम से mg sin थीटा को संभाल लेगा अगर गाड़ी नहीं चल रही. समझ में आई बात? तो वहां पे जीरो वेलोसिटी मिनिमम आ जाएगा केस. और इस केस में वो नेगेटिव बन जाता है कभी कभी. अगर वो नेगेटिव बन गया समझ लेना वी मिनिमम जीरो वाली बातचीत हो रही है. अगर ये पॉजिटिव आया तो वी मिनिमम की एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी. अगर उससे नीचे रहोगे तो स्लिप कर जाओगे. एग्जांपल देता हूं, मान लो कि भाई इतना टेढ़ा कर दो तुम, अब खड़ी करो गाड़ी, अब करो 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 खड़ी, नीचे को लुढ़क जाओगे. समझ में आया? फ्रिक्शन हो तब भी देखो एंगल, देखो यार हवाई जहाज बना दिया इसको तो हमने ऊंचा करके. इसके लिए तुम्हें बिना स्लिपिंग के लिए तुम्हें एक मिनिमम रफ्तार करनी पड़ेगी, तभी तुम बिना स्लिपिंग के इस पे मूव कर सकते हो. ठीक है, उस केसेस की बातचीत आएगी यहां पे. अरे समझ में आया? पक्का? वेरी गुड. मान लो कि मेरी वेलोसिटी बी केस, मैंने बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दी भाई साहब, अंडर रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा वेलोसिटी दे दी, तो क्या होगा? तो ये बाहर की ओर स्लिप कर सकता है, बाहर की ओर स्लिप कर सकता है. रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? अंदर की ओर. अरे हाँ कि ना यार, फ्रिक्शन लगेगा अंदर की ओर. फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं. तो मान लो फ्रिक्शन है ही नहीं तो किधर रिलेटिव मोशन होता? अच्छा इधर होता तो रोक दो उसको उल्टी साइड लगा के फ्रिक्शन. समझ में आया? नीचे को mg, इधर को नॉर्मल, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा. लेफ्ट की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, एन का साइन थीटा प्लस एफ का कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. और वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी. दोनों को डिवाइड कर दो. दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो एम और एम तो कट जाएंगे, इक्वल टू भी हटा लो,
इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, और यहां लगा दिया डिवाइड का साइन। समझ में आया ना, दो ही क्वेश्चन लिखे थे दोनों को डिवाइड कर लिया। अब सोचो अगर मैं फ्रिक्शन मैक्सिमम ले लूं म्यू एन, अगर मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन ले लिया डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो गया, न्यूमिनेटर तुम्हारा बहुत बड़ा हो गया, तो ये टर्म मैक्सिमम बन गई। ये टर्म मैक्सिमम कब बनेगी, जब तुम्हारी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। कि भाई साहब अगर इससे ज्यादा रफ्तार तुमने दे दी तो फिर तो पक्का निकलोगे तुम बाहर की ओर। एक तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू बताएगा ये वेलोसिटी की, भाई इससे ज्यादा वेलोसिटी मत करना। अगर तुमने सड़क पे इससे ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाई तुम बाहर की ओर निकलोगे पक्का। वीडियोस में देखा होगा ना ऐसे हाईवे पे जा रही है वो फ्लाईओवर पे ऐसे गाड़ी निकल गई बाहर की ओर नीचे गिर गई, देखा होगा वीडियोस में एक बहुत बार आया ये, हाँ कि ना। तो क्या होगा यहां पे, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू रखो म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, एन 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 उड़ गए। सो यू विल गेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। यहां से तुम्हारे पास मैक्सिमम रफ्तार आ जाएगी, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि फ्रिक्शन एक्ट ही ना करे तो इतनी रफ्तार से चलो, अगर इतनी रफ्तार से चलोगे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। समझ में आई बातें पक्का, ऑल राइट। तो अब वो जो मोड़ों पे ऐसे मोड़ टर्न्स पे जो स्पीड की लिमिट लिखी होती है ना कि भाई साहब कहीं भाई साहब 80 से जाना है, उनका कोई मतलब होता है, उसके पीछे फिजिक्स होती है। ऐसा नहीं कि अच्छा इसने 80 लगी है ये कौन है मेरे को रोकने वाला, मैं जाऊंगा 100 पे, तो हो सकता तुम्हारी 100 पे गाड़ी बाहर उड़ जाए। समझ में आया कि उसके पीछे भाई साहब कुछ फिजिक्स होती है। तो मोड़ों पे अपनी गाड़ी थोड़ी कम रफ्तार पे लेके चलें ताकि तुम्हें कम फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट हो, ताकि तुम्हारी गाड़ी बढ़िया मजे से चल जाए। अगर ज्यादा वेलोसिटी से लेके जाओगे ज्यादा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, और हो सकता है उतना फ्रिक्शन हो ही ना। समझ में आया ना, तो जो भी स्पीड लिमिट्स लिखी होती हैं खासकर टर्न्स पे उनके ऊपर ध्यान दें, वो फिजिक्स से ही लिखी जाती हैं, कुछ कैलकुलेशन के बाद में लिखी जाती हैं। और एक और बात बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। मान लो कि तुम्हारी कैलकुलेशन करके आई कि भाई मैक्सिमम रफ्तार तुम 100 km/h लेके जा सकते हो, ठीक है, तो बोर्ड पता कितने का लगाया जाएगा, बोर्ड लगाया जाएगा 70 का, है ना। मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है ना, तो मेरे को मतलब मैंने रोड्स भी बनवाई हैं, तो आई नो कि हम लोग कैसे बोर्ड की वैल्यू लिखते थे, या कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, बट 100 नहीं होता था, कम रखते थे उससे, कुछ सेफ्टी फैक्टर रखा जाता है 1.5 का 2 का अप्रॉक्स, 1.5 का रखते हैं रोड में अप्रॉक्स, तो सेफ्टी फैक्टर रखा जाता है, तो 70 का बोर्ड लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा हिंदुस्तान बहुत महान है, अगर 70 लिखेंगे जनता 90 तक तो बहुत आराम से जाएगी। ये हम मेंटेलिटी है अपनी यार, कि 70 कह रहा है 90 पे लेके जाऊंगा मैं, तो ये अपनी मेंटेलिटी है। तो हम लोग वो मेंटेलिटी को इस कैलकुलेशन में पुट करते हैं कि भाई साहब 70 लिख दिया वो 90 पे जाएगा, वो 90 पे भी उसका कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हमने 70 की लिमिट डाली। सोचो अगर हमने 100 की लिमिट डाली होती, मान लो कि ये 100 है, उसकी 100 के बाद कहानी खत्म है, अगर हमने 100 की लिमिट डाली होती जनता 120 पे जा रही होती, और 120 पे तो कहानी समाप्त, बाहर की ओर स्केटिंग आउट, कहानी आउट, ठीक है। तो ये जो लिमिट रखी जाती है ना वहां पे, थोड़ी उसकी कदर किया करो, ठीक है, उसके ऊपर मत जाया करो, है थोड़ा सा सेफ तो रहता है उसके ऊपर मतलब, बट उसके बाद अनसेफ आने लग जाता है, सो उसी तक जाया करो, उसके बाद मत जाया करो। ऑलराइट, चलिए फिर असाइनमेंट दे देता हूँ, उसमें सारे आपके जो भी एप्लीकेशन वगैरह इनके क्वेश्चन वोशन सभी ये आ जाएंगे असाइनमेंट में, तो करना असाइनमेंट, मजा आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अरे सब्सक्राइब का बटन मत दबाना, करंट निकलता है भाई उसमें से, करंट निकलता है, मत दबा देना उसको कहीं, कर लो कोशिश करके, देख लो जिन्होंने करनी है, नए वाले जो भी हैं मतलब देख लेना, मतलब अपनी इच्छा से, है ना। ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू, टाटा।